नमस्कार दोस्तों, हारमोनियम गुरु लेसन्स में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी गाने को हारमोनियम पे कैसे निकाला जाता है, उसके पीछे क्या टेक्निक है, क्या लॉजिक है। लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको लगातार कम से कम 40-50 वीडियो इसी चीज़ के ऊपर दूँ। कोशिश मेरी यही रहेगी कि 40-50 अलग अलग तरीके के गाने, जिसमें गज़ल होएंगी, भजन होएंगे, आपके फिल्मी गाने होएंगे, है ना, वो सारी चीज़ें मैं आपको निकाल के दिखाऊँ। मतलब कि 40-50 गाने आपको निकालने का प्रोसेस दिखाऊँ, जिससे आप समझ पाएं कि किसी भी गाने को कैसे निकाला जाता है, क्या टेक्निक है। उसी के ऊपर ये हमारा पहला लेसन है। इसमें हम गाना लेंगे, मैं एक गाना ले रहा हूँ, तुझे देखा तो ये जाना सनम, ठीक है जी। सबसे पहली कोशिश क्या आपकी होनी चाहिए कि गाना सिंपल चुनिए। जब आप पहली बार हारमोनियम के ऊपर कोई भी गाना निकालनी है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको गाना बिल्कुल सिंपल लेना। ये नहीं कि आप ये सोच ले कि मैं पहले दिन हारमोनियम लिया और पहले दिन मैं बैठ गया एक राधा एक मीरा निकालूंगा, है ना, तो वो नहीं निकलेगा, क्योंकि वो बहुत मुश्किल टाइप का गाना है। सिंपल गाने पकड़िए जो समझने आसान है, बजाने आसान है, ढूंढने आसान है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक प्यार का नगमा है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, है ना, तुम दिल की धड़कन में, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, इस टाइप के गाने चुनिए पहले। इनको निकालने की कोशिश करिए, इनको बजाने की कोशिश करिए। अभी जो मैं मेन बात कहने जा रहा हूँ कि गाना निकालने के पीछे टेक्निक है। देखिए, हारमोनियम में चाहे कितने भी स्वर हैं, चाहे हारमोनियम में 42 स्वर हैं, चाहे हारमोनियम में 36 स्वर हैं, एक गाने को अगर हारमोनियम में 36 स्वर है तो हम एक गाने को 36 जगह से बजा सकते हैं। अगर किसी हारमोनियम में 42 स्वर है तो हम एक गाने को 42 जगह से बजा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ये गाना ले रहा हूँ, तुझे देखा तो ये जाना, मैं इस गाने को यहाँ से बजा सकता हूँ, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, किसी भी स्वर से उस गाने को बजाया जा सकता है। मैंने क्या कहा कि अगर 42 स्वर है तो उस गाने को हम 42 जगह से बजा सकते हैं। अभी बात आती है कि ये गाना निकाला कैसे जाएगा। मान के चलिए मैं एक स्वर ले लेता हूं, जैसे मैंने तीसरी काली लिया। अभी क्या हुआ कि मुझे गाना निकालना है तुझे देखा तो ये जाना सनम, मेरे को यहां से निकालना है। रैंडमली मैंने पकड़ा कि मेरे को तीसरी काली से ये गाना निकालना। अभी ये जो तीसरी काली है ना, जहां से आपने निकालने का सोचा तो वो आपका सा हुआ, यानी कि आपके गाने का शुरुआत करने का पोजीशन, यानी कि स्टार्टिंग नोट, इसे हम सा मानेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग कोमल रे शुद्ध रे कोमल गा शुद्ध गा शुद्ध मा तीवर मा पा कोमल धा शुद्ध धा कोमल नी शुद्ध नी ता सप्तक का सा, इस तरीके से आपको सारे स्वर एज्यूम करने पड़ेंगे। अभी क्या किया, एज्यूम कर लिया कि मेरे को ये गाना यहाँ से बजाना और ये मेरा सा है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस स्वर को गुनगुनाऊंगा, फिर हमने जो गाना सुन रखा है, जैसे कि मैंने सुन रखा है कि मेरे को तुझे देखा तो ये जाना सनम ये गाना निकालना है, तो मैं इस स्केल के साथ, इस आवाज के साथ गुनगुनाने की कोशिश करूं, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, है ना। तो इस तरीके से मैंने इस स्केल के अकॉर्डिंगली गुनगुना लिया। अभी मैं इसी जो मैंने गुनगुनाया इस चीज को ढूंढने की कोशिश करूं, तुझे सा तुझे, तो देखो ये इसी स्वर के ऊपर आवाज मैच कर रही है, तो मतलब कि क्लियर है कि ये गाना इसी स्वर से उठ रहा है, तुझे तुझे देखा, है ना। तो कितना दूर है, मतलब कि आवाज से अंदाजा लगना चाहिए कि गाना मेरा कितना दूर है, गाने का स्वर कितना, तुझे देखा, उसको मैंने तोड़ दिया। हालांकि अगर मैं डायरेक्टली बजा तुझे देखा, है ना, तो ऐसे बजाता, बट मैंने आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा और स्लो कर दिया, तुझे देखा, तो आपको अभी समझ में आ रहा है कि आवाज़ ऐसे ही जा रही है ना। बट आपको ये स्वर अगर मान चलो डायरेक्टली नहीं मिले तो आप कैसे ढूंढे, तुझे देखा 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 देखा, है ना, ऐसे मिलेगा स्वर। आपको एक एक स्वर को टच करके जूम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अभी जैसे देखे, तुझे देखा तो ये रारा तो ये, है ना, ऐसे मिलेगा। ऐसे एक एक स्वर को टच करना पड़ेगा, ला 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 ला, ऐसे, है ना। प्यार होता है दीवाना सनम, ऐसे, है ना। एक एक स्वर को छू के, एक एक कड़ी को जोड़ के हम गाने को निकालते हैं। अभी मेरे हिसाब से ये जो गाने का जो स्केल है माइनर स्केल है, यानी कि कोमल स्वरों के ऊपर ये गाना चलेगा। इसमें ज्यादातर जो कोमल स्वर, एक गा कोमल यूज हो रहा है, धा कोमल यूज हो रहा है, नी कोमल यूज हो रहा है ना,
तो इसमें तीन स्वर कोमल यूज हो रहे हैं और बाकी के सारे स्वर शुद्ध यूज हो रहे हैं। तो अभी मेरे को कुछ स्वरों का आइडिया हो गया, तो अभी मेरे लिए ये गाना बजाना आसान हो गया ना, मैं अभी इसको इजीली बजा सकता हूँ। तो इसी तरीके से हम पूरा कोशिश करते इसको। इस तरीके से गाना ढूंढा जाएगा, मतलब कि आपको आवाज के पीछे पीछे चलना है। अगर ये चीज नहीं आ रही ना, आपको आवाज के पीछे पीछे चलना नहीं आ रहा, तो उसका कारण पता क्या, कमी पता क्या, कि आपके अलंकार नहीं क्लियर है, आपको बेसिक नहीं क्लियर है। यानी कि जो ग्रामर होती है ना, जैसे हम इंग्लिश सीखने जाते तो हमें ए बी सी डी सीखनी पड़ती है, अगर ए बी सी डी नहीं आएगी तो हमें इंग्लिश के वर्ड नहीं लिखने आएंगे। सेम एज इट इज अगर संगीत में आपको ये चीज नहीं आ रही कि गाने की आवाज के पीछे नहीं जाना आ रहा, तो समझिए कि आपकी बेसिक कमज़ोर है। बेसिक बोले तो आपने अलंकार नहीं करे, आपने थाट नहीं करे। जब तक आप ये चीज़ नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए ये चीज़ हवा में तीर मारने वाली बात हो गई है ना। पहले वो चीज़ करिए, फिर इन चीज़ों को समझिए। इस तरीके से आप कोई भी गाना निकाल सकते हैं। इसी टेक्निक से हम ये गाना कहीं से बजा सकते हैं, हम यहाँ से बजा सकते है ना, कहीं से भी, यहाँ से भी। यह है दिमाग का खेल, कि मेरे को आवाज़ की समझ है, मैं आवाज़ के पीछे पीछे चल रहा हूँ, कि जैसे मेरा दिमाग में जो आवाज़ चल रही है, मैं उस आवाज़ को फॉलो करके हारमोनी पे ढूंढ रहा हूँ। ये चीज़ आप भी कर सकते हैं, एक एक स्वर को टच करिए, एज्यूम करिए, उसको फील करिए कि हाँ, जो मैं गा रहा हूँ क्या वो मेरे साथ आवाज़। जैसे मान के चलिए तुझे तुझे है ना, तो पता चलना चाहिए कि मेरी आवाज़ के साथ हारमोनियम मैच हो रहा है। अगर आपको 100% श्योर है कि आपकी आवाज़ के साथ हारमोनियम मैच हो रहा है, तो मतलब कि वो स्वर सही है। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरी आवाज़ कहीं और चल रही है, हारमोनियम कहीं और चल रहा है, तो मतलब कि आपके स्वर नहीं मिल रहे हैं आपको। ठीक है जी, इस तरीके से आप इस गाने को निकालिए, इसी गाने को आज पकड़िए और निकाल के छोड़िए। भले आपको 5 घंटे लगे, भले आपको 10 घंटे लगे, भले ये आपको 5 दिन लग जाए, ये गाना पकड़िए और बहुत सिंपल गाना, इसको निकाल के छोड़िए। अगर इस चैलेंज के साथ चलेंगे ना, तो यकीन मानिए जब आप 20-25 गाने निकाल लोगे ना, तो आपको इतनी समझ हो जाएगी, फिर आपके लिए कोई भी गाना चुटकी का खेल हो जाएगा, आप कुछ भी बजा सकते हैं इजिली। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।